राज्यसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने अपने दो उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बताया कि पार्टी ने प्रेमचंद गुप्ता और अमरिंदर धारी सिंह को राज्यसभा का टिकट दिया है। आप लोग पूछ रहे थे बार बार कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से राज्यसभा के उम्मीदवार कौन होंगे, तो मैं आप सबों के सामने बातों को अपना रख रहा हूँ। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद जी के निर्देशानुसार राज्यसभा द्विवार्षिक सामान्य चुनाव 2020 के लिए निम्नलिखित पार्टी द्वारा अधिकृत उम्मीदवार होंगे। पहला श्री प्रेमचंद गुप्ता और दूसरे हमारे माननीय कल सांसद बनेंगे श्री अमरेंद्र धारी सिंह। यही दो व्यक्तियों को पार्टी के तरफ से राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित किया जाता है और आज ही दोनों प्रस्तावित उम्मीदवार अपना नामांकन करेंगे। आपको बता दें, कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए एक सीट मांगी थी, लेकिन आरजेडी ने इस मांग को ठुकरा दिया है। वहीं बीजेपी की तरफ से डॉक्टर सीपी ठाकुर के पुत्र विवेक ठाकुर राज्यसभा जाएंगे। दिल्ली ने उनकी उम्मीदवारी को तय कर दिया है। जेडीयू ने बिहार से राज्यसभा की अपने हिस्से की दो सीटों पर मौजूदा सदस्य हरिवंश नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। न्यूज डेस्क।